राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को अब 10 दिन भी नहीं रह गए हैं और नौबत अब विधायकों को बचाने की आ गई है। कांग्रेस को डर है कहीं बीजेपी विधायकों को चुनाव से पहले अपनी तरफ ना कर ले, इसलिए निर्दलीय विधायकों समेत 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिसॉर्ट में रुकाया गया है। इस रिसॉर्ट में कांग्रेस के आला अधिकारियों का आना जाना भी लगा हुआ है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, उन्हें खूब लालच दिया गया लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आए। गहलोत ने आगे कहा कि ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक पैसे का सौदा नहीं होता, मुझे इस बात पर गर्व है। इस बात पर बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सच तो ये है कि पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।